हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमन और स्वागत है आपका रसोई रमन के में। तो दोस्तों, आज हम ऐसा डिजर्ट बनाएंगे जिसके लिए आपको रसोई में घंटों खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और ना ही गैस चलाना पड़ेगा और बहुत ही जल्दी से फटाफट से ही रेसिपी बन जाती है। सिर्फ इसे बनाने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और 1 कप दूध से ही हम इस डिजर्ट को बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मलाई सैंडविच बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं 1/2 कप दूध डाल रही हूँ। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है, अभी ये ठंडा ही है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो इसे हमने ले लिया है एक बाउल के अंदर और यहाँ पर मैं चीनी ले रही हूँ। इसे मैंने पीसा हुआ है मिक्सी ग्राइंडर में, तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पर पीसी हुई चीनी ले ली है। और यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है 4 चम्मच, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे छोटी वाली इलायची, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मिठाई के अंदर खुशबू सी आ जाती है। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध ले रही हूँ, उसमें मैंने यहाँ पर फूड कलर डाला है येल्लो वाला। आप चाहें तो यहाँ पर केसर का दूध भी ले सकते हैं, मेरे पास इस टाइम केसर नहीं था तो मैं यहाँ पर फूड कलर ले रही हूँ। तो इसको हम दूध के अंदर डाल देते हैं, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस लिया है, आप चाहें तो रोज़ एसेंस भी ले सकते हैं खुशबू के लिए। अच्छी तरह से हम इसको भी मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 8 से 10 मैंने बादाम लिए हैं, 8-10 काजू ले लिए हैं, थोड़ा सा पिस्ता ले लिया है। और यहाँ पर मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया था, जो गोलागरी होती है उसको मैंने कद्दूकस करके इसमें ले लिया है। सब चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, हमारा रबड़ी वाला दूध बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं एक बाउल ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल दी है और 3 चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी हम फ्रेश वाली मलाई ले रहे हैं जो दूध के ऊपर होती है, वही मैंने ले ली है। आप चाहें तो यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। इसे हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दूध लिया 1 चम्मच के करीब। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, इसके हमें एजेस काट देने हैं, जो इसकी किनारियाँ होती हैं इसको हमने निकाल देना है। सारी ब्रेड्स की हमें किनारियाँ काट कर अलग कर देनी है। ब्रेड आपको फ्रेश ही लेने हैं और ये आपने फेंकना नहीं है। इसके हम मिक्सी में पीस कर इसको हम ब्रेड क्रम्स इसके हम बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारी इसके एजेस अलग कर दिए हैं। ये जो हमने मलाई वाला पेस्ट तैयार करके रखा था इसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे। बहुत ही बढ़िया से हमने चारों तरफ से अच्छे से इसको इसके अंदर लगा लेना है। इसके ऊपर एक और ब्रेड हमें इस तरह से रख देना है। इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड में भी लगा लेंगे और दूसरी ब्रेड को भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। अब हमें इसे कट करना है बीच में से। ये देखिए, इस तरह से हमने नाइफ से इसको 1/2 कट कर लिया है और इसी तरह से हमने इस तरह से भी 1/2 इसको कट कर लेना है दोनों साइड से। दूसरी वाली ब्रेड को भी हमने इस तरह से 1/2 कर लेना है। ये देखिए, हमारा मलाई सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक बाउल में इस तरह से दूध ले लेना है, नॉर्मल दूध, और इस तरह से इसको ब्रेड को इसके अंदर डिप करके प्लेट में इस तरह से रख देना है। सारी ब्रेड्स को हम इस तरह से डिप करेंगे और प्लेट में लगाते जाएंगे। इस तरह से करने से ये थोड़े सॉफ्ट हो जाती हैं ब्रेड। सारी ब्रेड को हमने इस तरह से सॉफ्ट कर लिया है। अब हमने जो दूध तैयार करके रखा था इसको उसके ऊपर डाल देते हैं। दोस्तों, आप इस मिठाई को खाने के बाद रसमलाई को तो भूलने ही वाले हैं। बहुत ही जल्दी और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है और हमने बाहर से कुछ भी नहीं लिया है, सब अपने घर के अंदर ही होता है। ब्रेड भी सबके घरों में होती है, तो बहुत ही जल्दी और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने सारी ब्रेड के ऊपर दूध डाल लिया है। ये देखिए, हमारा मलाई सैंडविच बनकर बिल्कुल हो गया है तैयार। अब हमने इसको 2-3 घंटे तक फ्रिज में से रख देना है और ठंडा होने के बाद ही आपने इसको सर्व करना है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हमारा सैंडविच बनकर तैयार हुआ है और बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे इसको खाकर। तो दोस्तों, सोच क्या रहे हैं, जल्दी से जाइए किचन में और इस तरह से आपके पास ब्रेड पड़ी है तो फटाफट से इसे बना लीजिए। बहुत ही अच्छी ये डिज़र्ट बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक।